हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। ये देखिए फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। ये देखिए, इस तरह से एक बेड का गद्दा था फ्रेंड्स, उसके बीच में से इस तरह से छोटे छोटे पीसेस निकले फोम शीट के। और देखिए, आज मैं इन्हीं का यूज़ करके बहुत ही अच्छा सा एक DIY रेडी करने वाली हूँ। देखिए, कुछ छोटे पीसेस है, कुछ बड़े पीसेस है, सबका अलग अलग साइज़ है, इन्हीं का यूज़ हम करने वाले हैं। देखिए, इस तरह से दो बड़े पीसेज हैं। सबसे पहले इन दोनों पीसेज को मैं जोड़ लेती हूँ। मेरे पास देखिए फेविकोल वगैरह नहीं है, तो मैं और ही कुछ जुगाड़ लगा के इन्हें आपस में इकट्ठा करूँगी फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले क्या है, जो बेड का गद्दा था उसके ऊपर एक बड़ी शीट थी और नीचे की तरफ एक बड़ी शीट थी, बीच में इस तरह के ये पीसेज थे। तो बीच वाले पीसेज फ्रेंड्स मैंने निकाल लिए और जो दोनों पीसेज बचे थे उनका मैंने आपस में जोड़ के एक प्लेन गद्दा बना दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो बीच वाली जगह हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, हम इन्हें कबाड़ समझ के फ्रेंड्स फेंक देते हैं। हालांकि हमें कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ का हम यूज़ इजीली कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह से पहले मैंने दोनों को ऊपर एक दूसरे के ऊपर इक्वली रख लिया है फ्रेंड्स। जो बीच वाला पार्ट है उसको फिल करने के लिए देखिए, इस तरह से कुछ बड़े पीसेज है मेरे पास, इनका मैं यूज़ करने वाली हूँ। देखिए, इसको मैं इस तरह से खड़ा कर लेती हूँ फ्रेंड्स, इसमें इस तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, ईजिली इसके अंदर ये आ गया। तो इन दोनों जो हमारे दोनों साइड के जो पार्ट्स हैं, इनको दोनों को मैं इसी तरह से फिल कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है उसे मैं कट कर लूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से कुछ। और जो साइड में भी जो पार्ट है उसको भी मैं इसी तरह से फोम के टुकड़ों से फिल कर लूँगी और इसको इस तरह से लेंगे। जो साइड में जो बचे हैं वहाँ पर के लिए भी मैंने फोम शीट कट कर ली है और मैं इसको चारों तरफ से टेप की हेल्प से इकट्ठा कर दूँगी फ्रेंड्स, ताकि आपस में हिले डुले नहीं फ्रेंड्स। ये देखिए, इकट्ठा करने के बाद अब हमें इसका कवर सिलना है। इस तरह से कि पुरानी बेडशीट है फ्रेंड्स, इसी का मैं यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले हमें इसका देखना है कि इसकी मेजरमेंट हमें कैसे लेनी है। देखिए, मैंने इसको डबल किया हुआ है, ये देखिए इस तरह से डबल करके मैंने इसके ऊपर इसके बिछाया हुआ है। तो ऊपर के पार्ट पर मैंने देखिए एक तरफ से, ये देखिए इस तरह से लेते हुए यहाँ नीचे की तरफ तक, या कि इसकी ऊँचाई भी हम ले लें फ्रेंड्स यहाँ तक, और उससे एक इंच मैं एक्स्ट्रा कट करूँगी इस साइड से सिर्फ। ठीक है, इसको कपड़े को डबल लिया है तो मैं एक ही तरफ से इसकी मेजरमेंट ले रही हूँ। सेम इसी तरह मैं दूसरे किनारे पे भी मैं इसी तरह करूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी ऊंचाई को प्लस करके फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए, इसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब मैं इसकी मेजरमेंट आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, किस तरह से मैंने इस कपड़े को कट किया है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, जो इसकी लंबाई है फ्रेंड्स उसमें मैंने इसकी ऊँचाई को प्लस कर दिया है। कपड़ा मैंने ऑलरेडी डबल लिया ही हुआ है पहले से ही। ये देखिए, मैं इंची टेप की हेल्प से आपको दिखाती हूँ कि किसकी लंबाई कितनी है ली हमने। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसकी लेंथ है फ्रेंड्स 35.5 इंच। ठीक है, और सेम इसकी दूसरी साइड जो है वहाँ की मैं भी मेजर करके बताती हूँ आपको कितनी लंबाई यहाँ से इसकी, यहाँ से 31 इंच। ये देखिए, इस तरह से जो मैंने फॉर्म शीट की जो मेजरमेंट ली है उसके अंदर मैंने 5 को ऐड कर दिया। यहाँ से थी फ्रेंड्स ये 26 इंच और मैंने इसको 5 ऐड करके होगी 31 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, सेम इसी तरह मैंने दूसरी साइड भी इसी तरह 5 ऐड किया है फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों तरफ से ऐड करके इस तरह से मैंने कपड़े को कट कर लिया है। ठीक है, ये देखिए, जो कपड़ा है इसको मैं इसकी सीधी साइड को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेती हूँ। तो सीधी साइड अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें दो साइड से सिलाई लगानी, यहाँ से यहाँ तक, सेम इसी तरह दूसरी साइड यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक साइड से तो कपड़ा फोल्ड है तो वो बंद ही है। ठीक है, और ऊपर की साइड हमें जिप लगानी है। ठीक है, इस तरह से पहले मैं इसको थैले टाइप में रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जिप को इसमें कैसे लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह से मैंने थैले टाइप में इसको सील लिया है। दो साइड मैंने इस पर सिलाई लगा ली, एक साइड से ये फोल्ड था, अब ऊपर की साइड हमें जिप लगानी है। ये देखिए, इस तरह से जो हमने थैला रेडी किया है इसी के ऊपर के जो पार्ट है उसी के इक्वल मेजरमेंट की मैंने जिप को भी कट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जिप के दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से दोनों की सीधी साइड, जिप की भी और कपड़े की सीधी साइड रखते अंदर की तरफ करते हुए हम उसके ऊपर सिलाई करेंगे। एक पार्ट को हम इस साइड लगाएंगे, दूसरे पार्ट को दूसरी साइड लगाएंगे, आमने सामने फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों को सीधा रखते हुए इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से, और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए, मैंने लगा ली दोनों ही साथ में। अब हम जिप को सीधी साइड से, जिप के अंदर हम रनर को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए, 1/2 इंच के अप्रॉक्सीमेट 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली थी जिप,
और देखिए इस तरह से जिप में मैं रनर को एक साइड से इस तरह डाल दिया, सेम इसी तरह मैं दूसरी साइड भी इसके अंदर इसी तरह से डाल दूंगी, ठीक है। और इसको अंदर की तरफ प्रेस करते हुए, पीछे की तरफ से खींचते हुए इसके अंदर जिप में रनर मैंने डाल लिया। और ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ भी अब हमें टेप लगानी है, देखिए इस तरह से करते हुए हल्का हल्का धीरे धीरे हमें टेप लगानी, तो कि जाके जो फोम शीट है वो आपस में हिले नहीं फ्रेंड्स। तो एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे भी आपको जरूरत हो उतनी बार इसके ऊपर आप टेप को लपेट सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे पास भीड़ी वाली टेप थी, आप चौड़ी वाली जिसकी जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा, वो वाली टेप आप यूज़ करना। जिप में रनर डल चुका है, तो फ्रेंड्स हमारा ये जो बैग इसका कवर भी रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब मैं इसको उल्टा कर लेती हूँ, अब हम इसके किनारे बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। किनारे बनाने के लिए फ्रेंड्स जो हमने साइड में जिसकी ऊंचाई है वो हमें देखनी कितनी ऊंचाई है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी ऊंचाई 2.5 इंच के करीब है फ्रेंड्स, तो मैं दोनों साइड 1.5 इंच का स्क्वेयर बॉक्स कट करके उसके ऊपर सिलाई कर दूंगी, देखिए इस तरह से। सेम इसी तरह मैं दूसरी साइड भी कर दूंगी फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने मैट्रिक्स के अंदर इस तरह से कवर को डाल दिया, देखिए हमारे किनारों की शेप आई है, देखिए कितनी सुंदर शेप आई है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी और बढ़िया हमारा ये मैट रेडी हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से जिप की ओपनिंग है, आप जब चाहो इसके कवर को निकाल के इसको वॉश कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और बहुत ही अच्छा बना है फ्रेंड्स, बच्चों के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है फ्रेंड्स। आपको पूजा भवन में यूज़ करना है, गद्दी के रूप में यूज़ करना है, या फिर टेबल के रूप में यूज़ करना है, आप जैसे चाहे वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप जैसे आप सिटिंग डिनर वगैरह करते हो तो फ्रेंड्स उसके लिए भी बहुत बेस्ट है, हमारी ये टेबल का काम करेगा फ्रेंड्स। अगर आपको इसको पूजा भवन में जैसे बैठ के अगर आप इसमें पूजा वगैरह करना चाहे तो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा फ्रेंड्स ये, ठीक है। बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। आप इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, आपको जहाँ इसका यूज़ करना वहाँ यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से मैंने इसे रेडी किया है, जिप से इसकी ओपनिंग की है, आप जैसे चाहो इसको वॉश कर सकते हैं फ्रेंड, हैंड वॉश या फिर वॉशिंग में भी वॉश कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में भी फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई आइडिया के साथ।